हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट, जिसमें हम पहले यूनिट वन पार्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट वन पार्ट टू भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट वन पार्ट थ्री के बारे में। लेकिन यूनिट वन पार्ट थ्री बहुत बहुत लंबा है, इसमें कम से कम मुझे 3 लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट करने में पूरा। तो और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये लंबा, इसीलिए इसके अंदर मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन का मेन क्रक्स है, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़रूरी ये पार्ट थ्री है। ओके, सो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इतना हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लास्ट एक लेक्चर जो हमने कंप्लीट कर दिया था वो यहाँ तक था, अब स्टार्ट करेंगे पार्ट थ्री। व्हाट इज़ अ प्रीएम्बल? प्रीएम्बल के बारे में यूनिट पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है प्रीएम्बल है क्या, तो अब यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक समरी लिखते हैं, एक सब्जेक्ट, जब कोई मेल लिखते हैं तो एक सब्जेक्ट लिखते हैं उस पर, या कोई लेटर लिखते हैं तो एक सब्जेक्ट, वो बता देता है कि उस सब्जेक्ट की बॉडी में क्या है। तो वैसे ही समझिए कि ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हमको बता दिया है कि हम किस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं। मैं आपको दिखा भी दूँ प्रीएम्बल हमारा है कैसा। ये हमारा प्रीएम्बल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको धीमे धीमे हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या है, वो आप देखते जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर फोकस कीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलिमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सब हम लोग देखेंगे क्या क्या है। ये हमारा प्रीएम्बल है, यही हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पन्ना। ओके, सो नेक्स्ट इज, इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। मतलब क्या कि जो हमारा इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, जो हमारे फ्रेमर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके इंटेंशन बताता है। हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, कि उसके निर्माण की क्या हिस्ट्री थी, और जो कोर वैल्यू है हमारे, कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। अभी जो मैंने प्रीएम्बल आपको दिखाया उसके जो कोर वैल्यूज थे, ये जो 5 चीज़ें आपने शुरू में देखी और फिर बाद में, तो वो चीज़ पहले पेज पे ही हम लोग बता दे रहे हैं। नेक्स्ट इज, द प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग: सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द नेशन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। ये सारी चीज़ें उसमें थी, हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखते समझते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल को एक्सप्लेन कीजिए क्या है। तो क्या है पहला पॉइंट, द आइडियाज बिहाइंड द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन January 22, 1947। इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बताया था कि हमारे जो क्या ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए 22 जनवरी 1947, ये हमारे आज़ादी के भी पहले था। और हमने क्या पहले देखा था कि 15 अगस्त को हम आज़ादी मिली है और 29 अगस्त को उसका गठन हो गया हमारे कमिटी का।
तो ये चीज पहले बता दिया गया कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑल दो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट्स एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स व्हेन लैंग्वेज इज नॉट फाउंड एम्बिग्यूस। इसका क्या मतलब है? नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट मतलब कि कोर्ट में इसको हम इन्फोर्स या इसके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं कर सकते कि अगर इसका पालन नहीं हुआ तो हमने मुकदमा कर दिया, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल। वो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव बताता है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है उसका ऑब्जेक्टिव बता रहा है। विच एंड एक्ट्स एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब जो आर्टिकल जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब कि उसको समझने में हमको आसानी करता है। When language is found ambiguous, ambiguous का मतलब कि बहुत ही typical language हो, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये सब lawyers और barristers ने लिखा था, तो language बहुत typical थी, तो common man के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जब उसकी language बहुत मुश्किल है तो वही उसको समझने में आसान करता है। Basic काम बस इतना है preamble का। अब components क्या क्या हैं, components देखते हैं। So it is indicated by the preamble that the source of authority of the constitution lies with the people of India. जो पहला वर्ड आपने देखा, पहला वर्ड आपने क्या देखा? We the people of India. मतलब ये जो पूरा having solemnly resolved to constitute India into this this this. तो we the people of India. ये source कौन है? Source of authority कौन है? People of India. नेक्स्ट, प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका मतलब यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें मैंने सॉवरेन का मतलब आपको बहुत डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में, सेक्युलर का भी मतलब बताया था, बाकी चीज़ों को हम आगे देखते जाएंगे। इसका अगर मतलब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड बाय द प्रीएम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फेटर्निटी इन आर फेटर्निटी। जस्टिस का मतलब कि भाई इंसाफ करना, चाहे वो सोशल हो इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल। लिबर्टी का मतलब कि उनको एक फ्रीडम देना सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने भावनाओं को रखने की, फेथ और वर्शिप, मतलब किसी भी आप धर्म या फिर जाति या किसी भी चीज़ का आप वर्शिप कर सकते हैं, इसकी आपकी पूरी छूट है। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम, मतलब किसी भी जेंडर के बेसिस पे या फिर जाति भेदभाव के बेसिस पे आपके साथ कोई भेदभाव ना हो, इक्वालिटी दी जाती है। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि किसी भी मनुष्य की, किसी भी सिटीजन की डिग्निटी को इंश्योर करना, और साथ ही में नेशन हमारे मतलब जो कंट्री है उसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी। यूनिटी मतलब एकता, इंटेग्रिटी मतलब उसका कह सकते हैं एक तरह से वर्चस्व, इंटेग्रिटी इज्जत ऑफ द नेशन, उसको बरकरार रखना, ये है। फिर इन आर कॉन्स्टिट्यू, ये भी देख लीजिए एक साथ, फिर इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन लागू कब हुआ ये कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता चुकी हूँ और ये बात तो आप सब जानते होंगे। ये क्या चीज़ है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि नीचे क्या लिखा है। ओके, ये इतना समझ में आया कि क्या क्या है। द डेट इज मैंशन इन द प्रीएम्बल व्हेन इट वॉज अडॉप्टेड, दैट इज 26 नवंबर 1949, देख चुके हैं। नाउ कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल।
अब कीवर्ड्स को एक एक करके समझते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब इंडिकेट्स द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. सॉवरेनिटी जानते हैं कि आप आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक ही राजा है. पब्लिक जिसको चाहे सर पे बैठाए, जिसको चाहे गिरा दे. सॉवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बींग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर. पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से भी एक बार बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ. जैसे हमारा देश पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो वो सॉवरेन नहीं था. उसके पास खुद से कोई कंट्रोल पावर नहीं थी कि वो अपने डिसीजन ले सके. लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके पास इंडिपेंडेंस भी आ गई, तो इंडिपेंडेंट अब वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकता है. ठीक है, तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री बन गया. बट जैसे मैंने पहले बताया था, यूपी कोई सॉवरेन स्टेट नहीं है. क्यों? क्योंकि वो इंडिया के अधीन है. इंडिया किसी के अधीन नहीं है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इसलिए वो सॉवरेन हो गया. जब आप किसी के अधीन नहीं होते तो आप सॉवरेन हो जाते हो, उसी को सॉवरेन कहते हैं. सॉवरेन वही मतलब है. इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट्स नॉट डोमिनियन ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर. सोशलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका क्या मतलब है सोशलिस्ट का? देखिए, द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स. इट होल्ड्स फेथ इन अ मिक्सड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाई साइड. इट वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी रीड दिस. 47 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 सोशलिस्ट. नेक्स्ट उसी के आगे एक सेकुलर भी आता है, ये भी देख लीजिए. ये भी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाय द 47 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड टू द प्रीएम्बल. सोशलिस्ट का मतलब पहले समझ लीजिए कि क्या होता है. कि ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर है, जो हमारी पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है, वो साइड बाई साइड एग्जिस्ट करती है. इसका जैसे यूएस में होता है, यूएस में क्या है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट है, वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा है. जबकि जो यूएसएसआर थी, जो रशिया से पहले थी, जो 1991 में थी, वो एक सोशलिस्ट कंट्री थी. सोशलिस्ट कंट्री थी कि वहाँ पर सब गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट या मतलब जो पीपल, लोगों का है. तो वही है कि हमारा भी कंट्री उस प्रिंसिपल पर चल रहा था. और ये सब हमारा जो सोशलिस्ट है और जो सेकुलर है, ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में उस वक्त नहीं लिखे गए थे जब उसे बनाया गया, बल्कि वो बाद में ऐड किए गए थे. तब 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में. ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद रखिए. यही चीज़ यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेगी. ये क्या लिखा है देखिएगा इसको. सब्जेक्ट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 सेक्शन 2 बाय सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये सिर्फ जो ये था, इतना सॉवरेन ऐड हुआ. और फिर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यूनिटी फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन. यूनिटी ऑफ द नेशन, ये चीज़ें बाद में ऐड की गई हैं. यूनिटी ऑफ द नेशन, तो ये आपको मिलेगा. पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ ये सॉवरेन वर्ड था, ये सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था. ये दोनों सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दोनों जो ये एस सोशलिस्ट सेकुलर, सो सी ऐसे याद कर लेना, सो सी, ये भी सो ही है सॉवरेन. इसको याद करने का अपना फॉर्मूला ढूंढ लीजिए. ये दोनों आपके ऐड हुए 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. ओके, 5th इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक हम सब जानते हैं, लोकतंत्र, कि यहाँ पर लोकतंत्र ही है, मतलब लोग ही राजा हैं. और रिपब्लिक, रिपब्लिक इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. इसका कहने का मतलब, यहाँ पर इस
से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्रेसिडेंट को हेड क्यों कह रहा है। हमारे जो मतलब हेड ऑफ स्टेट है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, वो प्रेसिडेंट ही है, लेकिन जो इलेक्टेड, ये इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। और जो इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। समझ रहे इस चीज़ को? इस चीज़ का डिफरेंस ध्यान रहे कि हमारा इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब जो टेरिटरी है ओवरऑल, जो पूरे कंट्री, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाले स्टेट नहीं है, स्टेट वेलफेयर स्टेट ही मतलब ये पूरा जो टेरिटरी आ रहा है इंडिया का, तो उसके जो इलेक्टेड हेड है वो हमारे प्रेसिडेंट है, और जो इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के इलेक्टेड हेड है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ओके, ये था हमारा प्रीएम्बल के बारे में टोटल। छोटा सा टॉपिक था लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट था, आ सकता है अगर क्वेश्चन, अगर प्रीएम्बल के ऊपर आ जाता है 2 नंबर में ही या 5 नंबर 10 नंबर जिसमें भी, तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कैसे लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी अधिकार तो जानना ही चाहिए। लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे इसके बारे में बहुत कुछ, बट यहाँ पर ही देख लीजिए, रिविजन हो जाएगा। पहला क्या है, एफ आर आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजंस। मतलब जो बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक हमारे मानवीय अधिकार हैं, उसको संविधान में रखा गया है और हर नागरिक को गारंटी किया जाता है। सेकेंड, दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। बिना किसी भेदभाव के इन्हें अप्लाई किया जाता है हर इंसान पर, मतलब लागू है ये। एफ आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मतलब ये इनके, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी भी तरह से, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बट उसके कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं हम लोग देखेंगे आगे। नाउ दीज राइट्स आर कॉल्ड एफ आर बिकॉज ऑफ टू रीजंस। दो रीजन की वजह से इन्हें फंडामेंटल राइट कहा जाता है। क्या है, Enshrined in the Constitution which guarantees them, मतलब ये हमारे संविधान में ही इनको डाला गया है जो कि इसकी गारंटी लेता है। और enforceable by courts, मतलब कोर्ट द्वारा लागू किए जाते हैं। In case of violation, a person can approach a court of law, मतलब अगर वही जो मैंने आपको बात बताई कि अगर आपको कोई ब्रीच करता है आपके फंडामेंटल, आपके मौलिक अधिकार आपसे कोई छीनता है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। नाउ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं हमारे भारत के संविधान में, तो टोटल 6 हैं। नंबर याद रखिएगा, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, ठीक, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता। इक्वालिटी मतलब समानता, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी भी तरह का हमको अगर क्षति कोई पहुंचा रहा है, जैसे रैगिंग, स्टूडेंट जो सीनियर लोग अगर जूनियर का करते हैं, या बहुत सारे चीज़ें हैं, आगे देखेंगे डिटेल में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हर किसी को अपना कल्चर और अपना शिक्षा लेने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आर्टिकल आपका 32, ठीक है। ये पूरा फंडामेंटल राइट्स आपका 12 से 35 होता है, आर्टिकल 12 से 35, जिसमें ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है आर्टिकल 32, बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब इतना है कि अगर आपको, आपका ये राइट से कोई वंचित करता है, तो आप उसकी रेमेडी के लिए कोर्ट जा सकते हैं, इसी राइट के थ्रू आप कोर्ट जाते हैं, वो है आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल। तो समझ सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली डिस्क्राइब द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो 6 राइट हमने ऊपर पढ़े हैं, इन्हीं को एक एक करके समझाना है। तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी। पहला तो ये मेंशन है, सिर्फ राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मेंशन है,
The constitutional articles related to right to equality are mentioned in Article 14 to 18. It guarantees equal rights for everyone, irrespective of religion, gender, caste, race or place of birth. आप किस धर्म के हो, आप किस जेंडर के हो, किस जाति के हो, किस रेस, रेस मतलब यहाँ कलर से मतलब होता है, ऐसा नहीं कि काला या गोरा का किसी भी का, और कहाँ पर पैदा हुए हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको समान अधिकार मिलेंगे अक्रॉस द कंट्री. थर्ड इज इट इंश्योर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एक्सेट्रा. मतलब ये सबको समान अधिकार देता है अपनी एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपनी जीविका के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो मतलब सरकारी हो या कोई भी. और अगर कोई आपको डिस्क्रिमिनेट करता है किसी भी मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, जैसे मेल फीमेल का होता है या फिर आपके जो हमारे कास्ट हैं, कास्ट अलग अलग होते हैं, जैसे अगर जो फर्स्ट है ब्राह्मण, फिर होते हैं क्षत्रिय, फिर होते हैं आपके वैश्य और फिर शूद्र. ये जो वर्णन किया गया था पहले, इसके बेसिस पे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट किसी को रोकता है कि नीचे जाते को, तो उसके ऊपर आपकी सख्त कार्रवाई की जाएगी. मतलब किसी भी आप जाति विशेष पर आप उसको एम्प्लॉयमेंट से रोक नहीं सकते, या मेल है तो उसको दे दिए, फीमेल है तो हटा दिए, ऐसा नहीं करना. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एज वेल एज अनटचेबिलिटी. ये छूत अछूत बहुत चलता था पहले, तो हमारे संविधान ने इसको भी बैन कर दिया. एबोलिशन ऑफ टाइटल जो कोई भी राजा महाराजा या वो सब बोलते थे कि कोई भी ऐसा कोई बड़ा राजा या रंक नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब समान है, सब नागरिक है, सिटीजन. देखिए यहाँ दो चीज होती है, एक सिटीजन होता है, एक सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट मतलब प्रजा और सिटीजन मतलब नागरिक. इन दोनों में बहुत फर्क होता है. प्रजा का मतलब होता है कि कोई राजा अपने प्रजा पर शासन कर रहा है, और नागरिक का मतलब प्रजा के पास अधिकार नहीं होते, जैसा राजा कहेगा वैसे ही उसे करना है. नागरिक के पास अधिकार होते हैं, अगर जो चुनी हुई सरकार उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो नागरिक उसको हटा देगा, लेकिन प्रजा अपने राजा को नहीं हटा पाएगी. इसीलिए जो ये है, ये सारे राजा प्रजा इन सब का सिस्टम ही हटा दिया गया, कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब लोग सिटीजन है, यहाँ पर सब नागरिक है. ओके, ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की आज़ादी मतलब अधिकार. ये मेंशन है हमारा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही इन्हीं में से कुछ आर्टिकल है जो आपके इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किए जाते. बाकी आर्टिकल्स, बाकी जो अधिकार हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं. कौन कौन सा है वो भी देखेंगे, जितना ज़रूरी है वो तो देखेंगे. देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सब्जेक्ट को बस पढ़ाती चलूँ और जितना लिखा है वो कर, मुझे आगे पीछे की भी कुछ कहानियाँ बतानी पड़ेगी, तो वो मैं बताती जाती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे आपको. फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियल फॉर एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, देन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम टू सिटीजन. ठीक है. नाउ अब आर्टिकल, ये सब जितने आर्टिकल है, ये आर्टिकल 19 में इंक्लूडेड है. द फ्रीडम राइट इंक्लूड्स मेनी राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता हो, एक्सप्रेशन यानी कि अगर हम कुछ एक्सप्रेशन, जैसे अगर नुक्कड़ नाटक या इसी तरह से कुछ कोई समाज की कुरीति या किसी मुद्दे को उठाना चाहते हो तो उसकी भी स्वतंत्रता हो हमें. फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, मतलब अगर हम एक जुट बना रहे हैं बट विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि हम किसी को मार मतलब हथियार के साथ, नहीं, पीसफुली अगर हम कुछ भी असेंबली है एकजुट हो रहे हैं तो उसकी स्वतंत्रता है. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एक दूसरे के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं. फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब हम देश के किसी भी कोने में जाकर के रह सकते हैं, ये सारी हमें स्वतंत्रता है. नाउ सम ऑफ दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी एक्सेट्रा. अब कुछ कुछ इसमें, जैसे स्टेट सिक्योरिटी के बारे में
मतलब हम जिस स्टेट में जा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी भी। अब ये है कि अब ये एक शहर है जहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, वो पूरा भर गया, और कुछ है कि जो एकदम खाली पड़ा है। तो अब ये तो ओवर पॉपुलेशन हो गया ना, तो ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम ओवर पॉपुलेटेड, या फिर ये एक एग्जाम्पल है बस, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कि कैसे आप समझ रहे हैं कि स्टेट सिक्योरिटी या पब्लिक मोरालिटी को हार्म ना करें। द स्टेट ऑल्सो हैज़ द राइट टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम। अगर किसी भी तरह का मान लीजिए, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में या फिर कश्मीर में जो पहले था, अगर किसी भी तरह का स्टेट को लगता है कि रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा तो वो उन पर लगा सकती है। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कहाँ है? 23 और 24 में आर्टिकल सर। ये क्या है? इट इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। ट्रैफिक क्या होता है? मतलब कि खरीद फरोख, कि किसी मान लीजिए जैसे बच्चों की तस्करी, या फिर बेगर कि बच्चों को, छोटे बच्चों को अगवा करके फिर उनसे भीख मंगवा रहे हैं, या फिर फोर्स लेबर किसी मिल या फैक्ट्री में उनसे, बच्चों से या फिर किसी महिलाओं से या फिर ऐसे किसी कमज़ोर व्यक्ति से उनसे काम करा रहे हैं। तो इसकी प्रोहिबिशन है, मतलब ये इलीगल है। अगर ऐसा किए हुए पाए जाते तो आपको दंड होगा। इट ऑल्सो इम्प्लॉयज द प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स इन हजार्डियस कंडीशन। जैसे अगर कोई केमिकल फैक्ट्री हुई या फिर कोई ऐसी चीज़, तो वहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। अगर कोई देख लेगा कि ऐसे करवा रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को निभाने की, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता। ये है आर्टिकल हमारा 25 से 28। क्या कहता है? राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस हिज और हर फेथ, स्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मतलब आप कोई धार्मिक या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपना कोई भी फेथ, आपको जिसमें भी मान्यता, आप जिसको भी मानते हैं आप उसे मान सकते हैं। दिस इंडिकेट्स द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सेक्युलर मैं पहले बता चुकी हूँ उसका क्या मतलब है, प्रीवियस वीडियो में देखिए। अच्छा, इंडियन पॉलिटी, ये चीज़ आप समझते होंगे ना कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। देर इज इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन्स। ये पहले समझ लीजिए पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या अपना डिफरेंस है। देखिए, एक होती है राज नीति और एक है राज व्यवस्था। राजनीति को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स, और राज व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटी। तो हम ये पढ़ रहे हैं पॉलिटी, राज व्यवस्था, कि राज को चलाने की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि राजनीति। राजनीति हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। ओके, तो ये था देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन्स। हर धर्म को समान रिस्पेक्ट, सम्मान दिया जाता है। फोर्थ इज देयर इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। मतलब कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, और स्टेट का यानी कि हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक, फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये हमारे 29, आर्टिकल 29-30 में है। फिर नेक्स्ट है दीज राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाई फैसिलिटेटिंग टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड कल्चर। जितने भी अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज़ कहीं लिखा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज वर्ड, बट हाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ये है। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ रिलीजियस, अगर कोई धर्म हो या कोई कल्चर या लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के बेसिस पे अगर कोई अल्पसंख्यक है, तो उनको उनके हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी हमारा संविधान उसको पूरा अधिकार दिया है। अगर जैसे मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिल जाएंगे, अनुसूचित जनजाति, तो उनके क्या है कल्चर डिफरेंट होते हैं,
हमारे जो बेसिक जो जनरल कल्चर है उससे अलग। तो वो हमारा संविधान इस बात की पूरी छूट देता है कि आप अपने कल्चर जैसे चाहे वैसे निभा सकते हैं, संविधान उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओके फिर एजुकेशनल राइट्स आर फॉर इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है कि भाई घर में अगर बच्चे तो मेल को पढ़ा दिया, फीमेल को नहीं पढ़ाया, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो आप कहीं पर। तो उसी लिए ये कहा गया है कि सबके लिए समान अधिकार है शिक्षा का। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 32, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रेमेडीज इफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड। मतलब अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो ये चीज़ संविधान इस बात की गारंटी देता है, गारंटी देता है कि हम उसके लिए आपको आपको जस्टिस दिलाएंगे। रेमेडी मतलब वही है कि आपके कुछ ना कुछ आपको उसका जो उपाय है वो करेंगे, इस बात की संविधान गारंटी देता है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन और कर्ब एनीवन्स राइट। मतलब ये मानविक अधिकार, मौलिक अधिकार सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। एक आप लोग सुने होंगे KBC, हम लोग बात करते हैं केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस ऑफ 1973। ये क्या था आप लोग, मैं तो वैसे बताऊंगी लेकिन आप लोग भी एक बार जाने खुद से तो अच्छा होगा। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये क्या थे इन्होंने पूरा, मतलब एक सिस्टम ही, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। आप एक बार गूगल करके इसको बारे में देखिएगा, मैं तो एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि इस केस के आउटकम के बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज द राइट्स, इन्फ्रिंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर गवर्नमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन करती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई संशोधन नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, सारे नहीं पर कुछ हैं, तो उसके गवर्नमेंट नहीं छू सकती, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बना सकती। जो उस समय शायद हो रहा था कि बन रहा था, तो उसके बाद ये चीज़ बनी 1973 में, 1973। सो व्हेन दीज राइट्स आर एग्रीव द एग्रीव पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट्स। मतलब अगर आपके इन राइट्स का वही अगर आपसे कोई छीन रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला है अ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डनरी लीगल राइट्स, जो नॉर्मल लीगल राइट्स होते हैं उससे ये अलग है। कैसे, इफ अ लीगल राइट इज वॉयलेटेड द एग्रीव पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बाई पासिंग द लोअर कोर्ट्स, ही और शी शुड फर्स्ट अप्रोच द लोअर कोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई ऑर्डनरी मतलब कोई अगर नॉर्मल सा लीगल राइट है तो पहले हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला नहीं सुलटता है तो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर फिर भी नहीं होता है तब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में हम डायरेक्टली या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दोनों ही कोर्ट हम जा सकते हैं डायरेक्टली। इसमें हम ऐसे जो लीगल राइट्स है जनरल लीगल राइट्स में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले हमको नीचे कोर्ट्स में जाना होगा, फिर उनसे केस अगर हम रेफर होता है तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बट यहाँ जो हमको फंडामेंटल राइट्स में मिल रहा है कि हम डायरेक्टली या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं बाई पासिंग द लोअर कोर्ट्स। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, ऐसा नहीं है कि एकदम यही है तो यही है। फंडामेंटल राइट्स समझिए आर सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी एंड डिसेंसी एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। जैसे हमारे जो भी कुछ भी अगर फॉरेन कंट्रीज के साथ होता है या फिर पब्लिक मोरालिटी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ गारंटी दे दिया तो दे दिया, वो चीज़ है
कुछ कुछ राइट्स हमारे हैं, बट कुछ जैसे अगर इमरजेंसी की मैं बात करूँ तो उस टाइम पे आपके सारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21, इनको छोड़ करके बाकी सारे राइट सस्पेंड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट हो गए, उनको भी वो समय के साथ जैसे जैसे सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। दे आर जस्टिसिएबल मतलब इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ठीक है, कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट नो ओनली इफ द अमेंडमेंट डज नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए मैंने ये अभी आपको बताया, ओनली इफ द अमेंडमेंट डज नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर, ये चीज आप देख रहे हैं, यही था आपका केशव नंदा भारती केस जो उसमें ये आउटकम निकला था। ये आप गूगल करके और अपना डिटेल पढ़ सकते हैं, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे वो सस्पेंड हो सकती है, ठीक बात, पहले भी बता चुके हैं। द एप्लीकेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन एन एरिया विच हैज बीन प्लेस्ड अंडर मार्शल लॉ और मिलिट्री रूल, अगर मिलिट्री रूल के अंडर उस एरिया को डाला जाता है, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कभी कभी नागालैंड या फिर कुछ ऐसे एरियाज में होता है, तो वहां पर हमारे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं होते बट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे बाहर ना निकलना। अब जैसे ये होता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की फ्रीडम कहीं भी निकल सकते, तो अगर मार्शल लॉ लगा है, मिलिट्री रूल लगा है, तो आप ऐसा नहीं कि कहीं पर भी निकल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, इस बात की फ्रीडम, इस बात की आप पे रेस्ट्रिक्शन ये सब तो लग ही जाएंगी। ओके आई थिंक ये लास्ट आंसर है। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये थोड़ा थोड़ा उसी का रिविजन है, आप इसको देखते जाइए करते जाइए। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन मतलब हमारे नागरिक पे ही, इनमें के जो बाहर से आ रहे हैं उनको पे, हमारे नागरिक। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में मतलब बराबरी का हिस्से देना। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक। इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है ये भी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द कंट्री, एसेंशियल फॉर सेफ गार्डिंग द पीपल इंटरेस्ट मतलब लोगों की हित के लिए बहुत ज़रूरी है। According to Article 13, all laws, ordinances, orders, regulations, notifications that are violative of FR shall be void. मतलब किसी भी तरह का कानून, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, ऑर्डर, ऑर्डिनेंसेज अध्यादेश, ऑर्डर्स यानी कि ऑर्डर, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, जो भी अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फिर उसको वॉयलेट कर रहा है, वो अपने आप void, null and void मतलब रद्द हो जाएगा। लास्ट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज वॉयलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब अगर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फिर उसका उसको वॉयलेट कर रहा है, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अनसंवैधानिक घोषित करके उसको हटा सकते हैं, ठीक। तो ये था यहाँ तक हमारा प्रीएम्बल ऑफ फंडामेंटल राइट। आई होप आपको ये समझ में आया हो, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, फिर भी आप एक बार अगर इसे रिवाइज करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया, वो इन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा बड़ा ही होगा। सो बी प्रिपेयर्ड, थैंक यू।